आज से करीब 100 साल पहले की बात है, यानी जब भारत पर अंग्रेजों का राज था, एक ट्रेन कई सारे यात्रियों से भरी हुई एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जा रही थी और उसी ट्रेन के एक डिब्बे में एक भारतीय मुसाफिर बैठा हुआ था और उसी डिब्बे में कुछ और अंग्रेज भी बैठे हुए थे। वो सभी अंग्रेज मिल करके उस एक अकेले भारतीय मुसाफिर का बार बार मजाक बना रहे थे। कुछ अंग्रेज उसके कपड़ों को देख करके उसे मूर्ख और गंवार समझ रहे थे और बार बार उसके पहनावे का मजाक बना रहे थे, बार बार उस पर हंस रहे थे। और कुछ अंग्रेज तो मैनेजमेंट पर गुस्सा कर रहे थे कि ऐसे इंडियन को ट्रेन में आने ही क्यों दिया। लेकिन वो इंडियन ऐसा कैसे ही बैठा रहा, उस पर किसी एक बात का भी कोई भी असर नहीं हो रहा था। उसने धोती कुर्ता और ब्लैक कोट पहन रखा था और सिर पर पगड़ी पहन रखी थी। वो शांत बैठा हुआ था और सीरियस होकर किसी चीज पर फोकस कर रहा था। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार से चल रही थी और वो अंग्रेज मिलकर के उसे एक अकेले भारतीय का बार बार मजाक बनाते रहे। और तभी अचानक वो भारतीय एकदम से खड़ा हुआ और बोला कि इससे पहले कुछ हो जाए ट्रेन को प्लीज रोक दो। और कोई उसकी बात को सुने समझे उससे पहले उसने ट्रेन की चेन खींच दी और ट्रेन को रोक दिया। और उस इंडियन की इस हरकत की वजह से वो अंग्रेज उस पर और ज्यादा गुस्सा होने लगे। वो सब मिलकर के उसे गाली देने लगे, तुम पागल तो नहीं हो गए गंवार इंडियन। लेकिन उस इंडियन पर किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। वो सीरियस पोस्चर में खड़े रहे और किसी बात का उन पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। और तभी ट्रेन का गार्ड वहां पर आता और गुस्से में पूछता है कि चेन की ट्रेन किसने खींची। इससे पहले कि वो अंग्रेज कुछ बोले, उस इंडियन मैन ने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि ये चेन मैंने खींची है और मैंने ही ट्रेन को रोका है। और तभी उस ट्रेन के गार्ड ने गुस्से में कहा कि कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो, क्या पहली बार किसी ट्रेन में सफर कर रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि बिना किसी वजह ट्रेन को रोकना एक क्राइम है। और तभी उस इंडियन ने शांत स्वभाव में कहा कि मुझे पता है कि ट्रेन को रोकना एक जुल्म है, लेकिन अगर मैं ट्रेन नहीं रोकता तो हजारों लोग इस ट्रेन में बैठे बैठे अपनी जान खो देते। और उस इंडियन की इस बात को सुनकर के सभी अंग्रेज हंसने लगे। और उस इंडियन ने कहा कि ट्रेन की पटरी आगे से टूटी हुई है, अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं होता तो आप आगे जा करके देख सकते हैं। और उस इंडियन की इस बात को सुनकर के ट्रेन का गार्ड और कुछ अंग्रेज ट्रेन से नीचे उतरे और आगे चेक करने के लिए जाते हैं। और रास्ते में भी कहते जा रहे हैं कि इंडियन सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब वो अंग्रेज थोड़ा और आगे पहुंचते हैं और देखते हैं और देखकर वो शॉक्ड हो जाते हैं कि सच में ट्रेन की पटरी आगे से टूटी हुई है। पटरी के एक हिस्से में नटबोल्ट निकले हुए हैं और वहां से वो दो हिस्सों में बटी हुई है। वो सभी अंग्रेज जिसको गालियां दे रहे थे और ट्रेन का गार्ड सभी वहां पर ट्रेन में फिर से पहुंचे और उस इंडियन को क्यूरियोसिटी के साथ में देखने लगते हैं। ट्रेन के गार्ड ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि ट्रेन की पटरी आगे से टूटी हुई है। और तभी उस इंडियन ने रिप्लाई किया कि सब लोग अपने काम में बिजी थे और मेरा पूरा फोकस ट्रेन की स्पीड पर था। कुछ वक्त तो ट्रेन अपनी नॉर्मल स्पीड से चल रही थी, लेकिन तभी अचानक ट्रेक के वाइब्रेशन की वजह से ट्रेन की स्पीड चेंज होने लगी और ये सिर्फ तभी होता है जब पटरी थोड़ी दूर पर टूटी हुई होती है। और ये सुनकर वो ट्रेन का गार्ड और सभी अंग्रेज तंग रह गए। और तभी उस ट्रेन के गार्ड ने कहा कि आपको तकनीकी का बहुत ही गहराई से ज्ञान है, आप कोई आम इंसान हो ही नहीं सकते, कृपया करके अपना परिचय दें। और तभी उस इंडियन ने कहा कि मैं एक भारतीय इंजीनियर डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया हूँ। और उनका नाम सुनकर के वहां पर कई सारे यात्री और कई सारे अंग्रेज सुनकर दंग रह गए, क्योंकि उस वक्त उनका नाम काफी प्रचलित था। और डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के नाम पर ही भारत में 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। अब इस कहानी से हमें सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है कि किसी भी इंसान की हुलियों को देखकर उसकी पर्सनैलिटी को जज नहीं करना चाहिए, ना ही उसका मजाक बनाना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि अंदर से वो कितना ज्ञानी है और अगर आप फिर भी उसका मजाक बनाते हो, यानी आप उसके अंदर छिपे हुए ज्ञान का मजाक बना रहे हो। और अगर आप जाने या फिर अनजाने में किसी के ज्ञान का मजाक बना भी रहे हो, तो दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख अगर कोई इंसान है तो वो आप हो, जाने या फिर अनजाने में। इस वीडियो को लेकर के आपके जो भी थॉट्स हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।